नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वो क्या जानकारी है और वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए ये एक एप्लीकेशन है, ये अभी खुल रही है और इसका लिंक जो है मैंने वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसके फीचर्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आप कहीं अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं और आपको आपके दोस्त ज़बरदस्ती आपको उन्होंने बिठाया हुआ है और आपको वहाँ से निकलना है, तो ये ऐप आपके लिए काम कर सकती है। दूसरी चीज़ मान लीजिए कि आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आप घूम रहे हैं, वो आपको बहुत पका रही है तो आपको वहाँ से निकलना है, तो भी ये आपके लिए बहुत काम कर सकती है। अगर आप घर पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार वाले आपको घर पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि घर में से आप बाहर निकलें, तो भी ये ऐप आपके लिए काम कर सकती है। और अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि आपके पास VIP लोगों का कॉल आया है या आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, तो भी आप लोगों को यहाँ से बेवकूफ़ बना सकते हैं या यहाँ से प्रैंक खेल सकते हैं। तो देखिए वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए कुछ इसके फीचर्स हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक कॉलर दिख रहा है, दूसरा आपको कॉल नाउन, तीसरा आपको कैरेक्टर, ठीक है, उसके बाद वॉइस। तो सबसे पहले हम कॉलर की बात करते हैं। जैसे आप कॉलर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जिससे आपको कॉल आएगा, यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। जब आपके फ़ोन में कॉल आएगा तो यहाँ पर वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, जिस भी नाम से आपको आपका कॉल चाहिए तो, ठीक है। दूसरा आपको जो दिख रहा है कॉल नाउ पर, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे डायरेक्ट कॉल आ जाएगा उसी वक्त। तीसरा ये आपको कैरेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको कोई भी कैरेक्टर अगर चाहिए, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको दोस्तों को दिखाना है या आपको किसी को भी दिखाना है कि पुलिस ने आपको फ़ोन किया, तो आप पुलिस पर सेलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपको दिखाना है कि आपको पिज़्ज़ा वाले ने फ़ोन किया तो आप पिज़्ज़ा पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है कि आपको गर्लफ्रेंड फ़ोन कर रही है, अपने दोस्तों में आपको रॉब बढ़ाना है, तो आप यहाँ गर्लफ्रेंड पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्तों में बताना है कि भाई मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना है, तो आप यहाँ मॉम पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लीजिए आप लड़की हैं, आपको अपने फ्रेंड में आपको रॉब दिखाना है, तो आप यहाँ पर बॉयफ्रेंड भी सेलेक्ट कर सकती हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये गर्लफ्रेंड का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो फ़ोन बजे, मान लीजिए आप चाहते हैं कि रात को 9 बजे फ़ोन बजे या इतने बजे, जितने ही बजे आप चाहते हैं, तो आप यहाँ शेड्यूल पे भी आप क्लिक करके अपना टाइमर सेट कर सकते हैं कि उतने टाइम पर आपको कॉल आ जाए। देखिए यहाँ पर आपको टाइमर भी मिल जाएगा कि इतने टाइम बाद आपके पास फ़ोन आ जाए। तो मैं यहाँ पर अब दिखाता हूँ कि कॉल आएगा कैसे। देखिए कॉल नाउ पे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए देखा आपने, देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए वहाँ पर गर्लफ्रेंड सेलेक्ट किया था तो मेरे फ़ोन पे कैसा कॉल आया, देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए और यहाँ पर आपको नंबर भी देखिए कोई दूसरा ही अलग ही नंबर दिखेगा ताकि किसी को कोई नंबर भी पता ना चले, ठीक है। और अगर आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं और आपको ये बताना है कि आपके घर से फ़ोन आया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये अपनी ये बॉम का सेलेक्ट कर देना है, देखिए ऐसे। अब अगर आप यहाँ पर कॉल नाउ पे क्लिक करके देखेंगे तो देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मॉम लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप चाहते हैं कि किसी और से नाम से कॉल आए या किसी भी नाम से कॉल आए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप उसका नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कॉलर पर क्लिक करके, यहाँ पर कॉलर पर क्लिक करके यहाँ ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप नाम भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अक्षय, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अक्षय कुमार लिख दिया है, देखिए अब। और पिक्चर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, मैंने अभी मैं आपको पिक्चर चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब मैं दोबारा से कॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप ऊपर अक्षय कुमार आपको नाम नज़र आ रहा है, ठीक है। और पिक्चर आप यहाँ पर फोटो कोई भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी गैलरी में से लगा कर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ऐप है, छोटी सी ऐप है, 1 MB की ऐप भी नहीं है, लेकिन काम देखिए इसके बहुत ही अच्छे हैं। आप एक हल्के फुल्के पल अपने लिए बना सकते हैं मजाकिया तौर पे और लोगों के साथ आप प्रैंक खेल सकते हैं, मजाक कर सकते हैं और इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और इसमें आप टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी वॉइस भी, आवाज़ भी इसमें अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अपनी अगर आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ऐप है और इसका लिंक जो है मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पर डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए, इसका मजा उठाइए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।